My name is Rudraraj Paria. So this, I've come down with a new place called Knot Yard. It's basically a modern Indian cuisine food, and this is basically for a corporate bites and corporate people over here. And today, as Niharika is doing a folk shoot over here, and so we present Niharika to you guys. Hi guys, so I'm really happy to be here. This place has just opened up. It's called Knot Yard, and like he said, it's got this fusion of Indian traditional food and contemporary cuisine. And I'm doing a folk photo shoot here. As you can see, it's very tribal. It's sort of like a mixture between contemporary Indian as well as sort of ethnic Indian and rural Indian. And yeah, so that's the theme of the photo shoot today. ये जगह हम लोग चालू करें 3 मई से और टाइमिंग्स रहेंगी 12 बजे दोपहर को लेके रात को 1:30 तक रेगुलर टाइमिंग्स. और ये बार प्रॉपर कॉर्पोरेट बार है, वहाँ सब लोग आ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, फैमिली वाले भी आ सकते हैं. 12 to 5 इवन किड्स आर अलाउड ओवर योर. बेसिकली मैंने पवई एरिया इसके लिए सिलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पे अब तक कोई नई आउटलेट इतनी खुली नहीं है और ये एरिया इतनी पॉश लोकेलिटी में है, हीरानंदानी में, और यहाँ पे इतने बार्स और रेस्टोरेंट्स है ही नहीं कि यहाँ पे कि बिज़नेस आ सके. यहाँ पे स्कोप इतना ज़्यादा है पर है ही नहीं, जो मार्केट नहीं है यहाँ पर अभी मार्केट डेवलप हो रही है स्लोली स्टडीली. सो इनिशियली मैंने जब ओपा चालू किया था तब ओपा में अंधेरी ईस्ट में मार्केट नहीं था, पर अभी अंधेरी ईस्ट का मार्केट इतना बूम हो चुका है. सेम वे मेरे को चाहिए कि पवई का मार्केट भी वापस बूम हो और पवई के लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको घर के पास ही जाना पड़ेगा. काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते फिलहाल अभी, तो दैट्स व्हाई आई कम डाउन विद अ स्मॉल प्लेस व्हिच इज़ वेरी नियर बाय एंड एवरीवन कैन अफोर्ड इट. मेन्यू बेसिकली मॉडर्न इंडियन मेन्यू है, तो इसमें थोड़ा मिक्स है, आपका इंडियन फूड भी रहेगा, क्वांटी भी रहेगा, चाइनीज़ भी रहेगा. आप जो रास्ते में खाना खाते हैं वो हम लोग आपको यहाँ पे खिलाएंगे, पर एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके. अभी सपोज एग्जांपल मुंबई या महाराष्ट्र का स्पेशल डिश है वड़ा पाव, तो हम लोग के यहाँ पे वड़ा पाव भी है पर हम लोगों ने उसको मिनी वड़ा पाव के हिसाब से बना के दिया है. ये चीज़ के लिए हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने अल्कोहल रेट्स कंपेरेटिवली मार्केट से बहुत सस्ते रखे. एक मार्केट गिमिक है बेसिकली, हम लोग लॉट ऑफ पीपल जो है यहाँ पे आजू बाजू रहे उनको कॉर्पोरेट्स लोग रहते हैं, कॉर्पोरेट्स लोग को क्या चाहिए कि अल्कोहल सस्ता हो और खाने में अच्छा रहे सब कुछ, तो उसके हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर मेन्यू क्यूरेट किया है पूरा. ईजी हो जाएगा, ईजी गेट गोइंग होगा और उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. अगर पवई के अंदर ही इतनी अच्छी जगह आ रही है, इतनी बड़ी जगह आ रही है, तो उनको यहीं पर सब मिलेगा एक रूफ के अंदर सब कुछ. एक कॉन्सेप्ट ही एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा एक बार जगह चालू होगी. इसकी स्पेशलिटी है बार बैंक. बेसिकली पूरे बॉम्बे में आप अल्कोहल खरीदने जाते हो तो आपको वाइन शॉप में रुकना पड़ता है. अभी ये पहली जगह है जहाँ पे वाइन शॉप जगह के अंदर है ऑलरेडी, और हम वो सेम चीज़ कर रहे हैं जो अगर वाइन शॉप पर आप जाके बॉटल्स जो भी खरीदते हो MRP रेट से, हम लोग वही चीज़ आपको यहाँ पे खरीदने देंगे और वही चीज़ आप यहाँ पे बैठ के पी सकते हो आपके दोस्तों के साथ. तो ये कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग होने वाला है यहाँ का. मैम आप बताएं कुछ क्या. सबसे पहली चीज़ तो इस जगह का नाम नॉट हार्ड, ये खुलने वाला है 3 मई को. और जैसे रुद्र ने आपको बताया है यहाँ का कॉन्सेप्ट ही अलग है. यू कैन बाय योर ओन अल्कोहल एंड ड्रिंक इट हियर. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट हिट हो जाए. एंड यहाँ पे मैंने एक फोक ट्राइबल फ़ोटोशूट किया है. जो आज मेरा टीम है उसमें KD फोटोग्राफर हैं और सैंडी मेकअप आर्टिस्ट और मैं हूँ. एंड ये एथनिक वेयर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है यहाँ पे. और यहाँ के लोकेशंस इतने प्यारे हैं, दे आर सो नाइस, जो आपको एक कंटेम्प्री इंडियन, ट्रेडिशनल इंडियन और एक रूरल इंडियन का फील देते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर शूट किया है. And very happy to help Rudra in any way. And I hope all of you guys are going to come to Knot Yard. So, आप यहाँ Knot Yard में मैम आए हैं तो आपने फोटो शूट भी किया है. जी. और इसके अलावा आपने कुछ टेस्ट किया है ताकि आपको लगे कि इस पास जो यहाँ की स्पेशलिटी है. Yes, मुझे बहुत सारी स्पेशलिटीज अभी मिलने वाली हैं खाने को. लाइक जैसे उसने कहा है यहाँ पे स्ट्रीट फूड को एक बहुत ही एक्सक्विजिट वे में प्रेजेंट किया जाएगा. तो आपको तो पता ही है कि मुझे बहुत चिकन पसंद आता है और वड़ा पाव भी पसंद आता है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने को. दो मैं डाइटिंग कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें खा ही लूँगी. ओके थैंक. वेल Knot Yard इज़ जस्ट अबाउट टू ओपन ऑन द 3rd of May
एंड या यू गाइज ऑल शुड कम एंड विजिट पवाई. मेरी बहुत पसंदीदा जगह है, मुझे पवाई बहुत पसंद है और यहाँ नॉटी हार्ट आई थिंक इट्स गोना बिकम अ हाईलाइट प्लेस इन पवाई. थैंक यू.